हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Neo 7 Pro Android मोबाइल फोन में आप जो है फिंगरप्रिंट लॉक जो है रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, ठीक है। और ये फिंगरप्रिंट लॉक जो है रिमूव होने के बाद आपके मोबाइल फोन की सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपने जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखा है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये फिंगरप्रिंट का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट वन का। फिंगरप्रिंट वन के सामने आपको ये डिलीट का आइकन दे रखा है, इसे आपको टैप करना है। आपका एक पेज ओपन होगा रिमूव ऑल फिंगरप्रिंट्स का, इसमें आपको नीचे की साइड ये यस रिमूव का ऑप्शन टैप करना है। तो यहाँ पर आपका जो है ना फिंगरप्रिंट जो वन यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये फिंगरप्रिंट लॉक जो है रिमूव हो जाता है। अभी फिंगरप्रिंट लॉक जो है रिमूव होने के बाद आपके फोन की सेटिंग कैसे काम करती है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप फोन की स्क्रीन को ऑफ करेंगे ना तो आपके ऑफ स्क्रीन के नीचे की साइड आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से आप जो अपने फिंगरप्रिंट की मदद से आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट लॉक जो है रिमूव करने के बाद ऐसे काम करेगा, ठीक है। अगर आपको फोन को अनलॉक करना है ना तो अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट लॉक सेटिंग जो है ना रिमूव करने के बाद आपके फोन की सेटिंग ऐसे काम करेगी। अब मैं आपको ये फिंगरप्रिंट की सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज है, इस सेटिंग पेज को आपको ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है सेटिंग पेज को ओपन करते हैं। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है फिंगरप्रिंट, ठीक है। इस तरीके से तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये फिंगरप्रिंट से रिलेटेड आपको काफी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। इसमें से आपको फिंगरप्रिंट का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे सेटिंग सिक्योरिटी लिखा होगा। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।